हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 1757 से 1772 ईस्वी के मध्य का इतिहास। तो ये आधुनिक भारत का इतिहास है, इसका ये दूसरा वीडियो है और पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको वो वीडियो इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, या फिर चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। शुरुआत करते हैं रॉबर्ट क्लाइव से। रॉबर्ट क्लाइव का जो पहला शासनकाल माना जाता है वो 1757 से 1760 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं पहले इनके शासनकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए। 1742 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के रूप में भर्ती हुए थे, परंतु अपनी योग्यता के बल पर उन्होंने क्या किया कि 1751 ईस्वी में उन्हें कैप्टन बनाया गया और अंत में 1757 ईस्वी में वो बंगाल के गवर्नर बने। तो ये उनका शुरुआती दौर था। भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करने का श्रेय रॉबर्ट क्लाइव को ही जाता है। बिल्कुल ये बात सही है, हालांकि काफ़ी इतिहासकार हैं वो उस चीज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल पूरी तरह सही है, क्योंकि प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के ही नेतृत्व में अंग्रेजों ने लड़ा था और वो पहली सीढ़ी थी भारत में। उससे उन्हें बंगाल में पूर्ण रूप से सत्ता मिल चुकी थी। इसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, हालांकि उस समय तो ये क्लाइव नहीं थे, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण माना जाता है वो माना जाता है प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध से बहुत सारा एरिया है जो अंग्रेजों को मिल जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। 23 जून 1757 ईस्वी के प्लासी युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने ही किया, बिल्कुल सही बात है ये। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन की पहली सीढ़ी पर कदम रख लिया था, बिल्कुल सही है। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के मध्य में हुआ था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी, क्योंकि उनके सेनापति मीर जाफर और दीवान दुर्लभ राय ने उन्हें धोखा दे दिया था। तो हालांकि इसके बारे में मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा प्लासी के युद्ध के नाम से। तो उसमें काफी डिटेल से मैंने बताया था प्लासी के युद्ध के बारे में। 1759 ईस्वी में वेदरा उस समय बंगाल में ही है, तो वेदरा का एक मैदान है, तो वहां पर युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और डचों के मध्य में, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी और इसी युद्ध से डचों का पतन प्रारंभ हो गया था, यानी कि भारत से डचों का पतन हो गया था इसी युद्ध से, वेदरा के युद्ध से। तो ये भी काफ़ी एक महत्वपूर्ण है, यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे, हालांकि अभी मैं आगे और चर्चा करूँगा उनके बारे में। फरवरी 1760 ईस्वी में कुछ स्वास्थ्य कारणों के चलते रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड वापस चले गए। अब आते हैं यहाँ पर वेंसीटार्ट, जो इन्हें बहुत ही कम इतिहासकारों ने लिखा है, जब आप बहुत ज़्यादा डिटेल से हिस्ट्री पढ़ेंगे तभी आपको इनका नाम मिलेगा, वरना नहीं मिलता। मैंने काफ़ी बुकों में देखा है तो इनके नाम का उल्लेख करते ही नहीं है। वेंसीटार्ट का जो शासनकाल माना जाता है 1760 से 1765 ईस्वी के मध्य में। 1760 ईस्वी में वेंसीटार्ट बंगाल का नया गवर्नर बनकर आया, लेकिन बंगाल के नवाब जो उस समय के थे मीर जाफर ने उसका स्वागत नहीं किया, जिससे वेंसीटार्ट नाराज हो गए। वेंसीटार्ट ने मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया था। 1763 ईस्वी में मीर कासिम के आदेश पर उसके एक जर्मन अधिकारी समरू ने पटना में कई अंग्रेज अधिकारियों और भारतीय जमींदारों की हत्या कर दी थी। ये हत्या क्यों कर दी थी? क्योंकि ऐसा मानना था मीर कासिम का कि ये जो भारतीय जमींदार थे ये अंग्रेजों की तरफ थे, मीर कासिम की तरफ नहीं थे, तो इसीलिए इनकी हत्या करवा दी थी। और इसी हत्याकांड को क्या कहा गया भारतीय इतिहास में? पटना हत्याकांड के नाम से ये जाना जाता है ये। और इस हत्याकांड से भयभीत होकर मीर कासिम ने
क्या किया था कि अवध के नवाब सुजाउद्दौला के यहाँ उन्होंने शरण ली थी, क्योंकि वो जानते थे इतने लोगों की हत्या करने के बाद अंग्रेज हमें छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए वो क्या किया था उन्होंने कि बंगाल छोड़ के वो अवध के नवाब थे उनके यहाँ उन्होंने शरण ले ली थी। अब भाई बंगाल में तो हो गई सत्ता खाली, तो क्या किया था कि मीर जाफर को फिर दोबारा से बंगाल का नवाब बना दिया गया था। किसने बनाया था? ये वेंसिटाट ने। और इसी हत्याकांड से बक्सर के युद्ध की नींव पड़ी। ये बात बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देने वाली है, किस हत्याकांड से? पटना हत्याकांड से, क्योंकि ये हत्याकांड अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण था। इतिहास में इसकी बार बार चर्चा की जाती है, हालांकि काफी जो इतिहासकार उन्होंने इसकी कोई चर्चा नहीं की है। मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला और दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय ने मिलकर एक संयुक्त सेना बनाई। जब वहाँ से भाग आए मीर कासिम, तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला के यहाँ उन्होंने शरण ली। तो क्या किया कि मीर कासिम सुजाउद्दौला और दिल्ली के जो समय के शासक थे शाह आलम द्वितीय, वो भी अवध में ही थे, तो इन तीनों ने क्या किया, एक मिल के एक संयुक्त सेना बनाई और बंगाल के जो नवाब थे मीर जाफर और बंगाल के अंग्रेज गवर्नर जो थे वेंसिटाट के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। उधर वेंसिटाट को जब ये मालूम चला तो वेंसिटाट ने क्या किया कि मीर जाफर के साथ मिलकर एक सेना बनाई, जिसका सेनापति हेक्टर मुनरो को बनाया गया था। भैया अब आते हैं 22-23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। हालांकि बक्सर के युद्ध पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, उसकी भी लिंक आपको मैं इस वीडियो के अंत में दे दूंगा, तो आप उसे भी देख लेना, या फिर ना मिले तो आप चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और इस युद्ध में भी अंग्रेजों की जीत हुई। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का जो अंग्रेज गवर्नर था वेंसिटाट था। हालांकि ये प्रश्न भी एक दो बार एग्जाम में आया है, तो इसको याद रखें यहाँ पर, क्योंकि मैंने इसकी चर्चा पीछे भी की है कई वीडियो में। इस युद्ध के बाद बंगाल की जो वास्तविक सत्ता थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में पहुंच गई थी। तो ये दो युद्ध जो हैं, पहला है प्लासी का और दूसरा है बक्सर का युद्ध, भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, यानी कि भारत का भविष्य बदलने वाले दोनों युद्ध थे ये। रॉबर्ट क्लाइव फिर से आ जाते हैं 1765 ईस्वी में। रॉबर्ट क्लाइव फिर से आते हैं और 1767 ईस्वी तक ये रहते हैं। 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा से बंगाल का गवर्नर और कलकत्ता की सिलेक्ट कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया था। यहाँ पर गवर्नर भी बनाया गया था बंगाल का और सिलेक्ट कमेटी थी जो कलकत्ता में, उसका अध्यक्ष भी बनाया गया था। 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु हो गई और रॉबर्ट क्लाइव ने उसके जो पुत्र थे नज्म उद धौला, जो यहाँ पर ये इनकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, ये अल्पवयस्क थे, तो इनको नवाब तो बनाया था केवल नाम मात्र के लिए, बंगाल का नवाब बना दिया, लेकिन अधिकार जो सारे थे वो अपने पास रखे किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो इस तरह से बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना हुई। द्वैत शासन का मतलब दोहरा शासन, जिसमें नवाब जो थे वो अल्पवयस्क थे, नवाब का काम केवल बंगाल में शासन करना था और ईस्ट इंडिया कंपनी का काम था राजस्व वसूलना। सेना संबंधी जितने भी कार्य होते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही अंतर्गत होते थे और विदेशी मामले जो होते थे उसकी भी जो देखभाल होती थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही अधिकारी करते थे। तो यहाँ पर इस तरह से इन्हीं दोनों के मध्य में आपस में ये बटे हुए थे, तो इसी को द्वैत शासन कहा गया है। एक तरफ बंगाल के नवाब अपना शासन चला रहे थे, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी को इतिहास में द्वैत शासन कहा जाए, जो सर्वप्रथम बंगाल में लागू हुआ था। तो इसको भी याद रखें, ये भी प्रश्न यहां से एक बन सकता है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव और दिल्ली के मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के मध्य इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। यहाँ पर ये याद रखें, जो इलाहाबाद की पहली संधि कब हुई थी? 12 अगस्त को, और दूसरी संधि 16 अगस्त को हुई, उसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। तो इस तरह से बंगाल के बाद उड़ीसा और बिहार में भी द्वैत शासन स्थापित हो गया था, तो यहाँ पर इनको भी याद रखें अच्छे से। 16 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के मध्य इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई।
इस संधि से रॉबर्ट क्लाइव को अवध में मुफ्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया और अंग्रेजी सेना रखने का भी अधिकार मिल गया था। और ये अंग्रेजी सेना का खर्च कौन उठाएगा? अवध के नवाब सुजाउद्दौला। तो यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव बहुत दिमाग वाला व्यक्ति था, ये बात को बिल्कुल माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस समय अवध के नवाब भी कमज़ोर थे और दिल्ली के जो शासक थे शाह आलम द्वितीय, वो भी बहुत कमज़ोर थे। रॉबर्ट क्लाइव अगर चाहता तो इस समय वो दिल्ली पर कब्जा कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि उसकी जो सोच थी वो बहुत दूरदर्शी थी। उसने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जानता था कि इस समय अगर मैं कब्जा करता हूँ दिल्ली के शासन पे, तो मराठे वहाँ पे अटैक करते रहते हैं और भारतीय जनता के प्रति हम अपना विश्वास अभी कायम नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए केवल संधियाँ की थी, बस संधियाँ जो हुई थी उनसे उसने खूब पैसा और व्यापार किया। 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या किया था कि सभी अधिकारियों और सैनिकों से एक प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करवाए थे। तो जब ये यहाँ पर हस्ताक्षर करवाए तो क्या हुआ कि सैनिकों ने इसका विरोध किया, जिसे इतिहास में श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अधिकतर ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने क्या किया था कि त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि यहाँ पर ये जो सैनिक थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ये भ्रष्टाचार बहुत करते थे। पर्सनल अपना जो बिजनेस होता था वो भी करते थे और उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से तो वेतन मिल ही रहा था, उससे वो संतुष्ट नहीं थे। पर्सनल अपना बिजनेस, रिश्वत और जो भी जितनी तरीके से वो कमा सकते थे वो कमाते थे यहाँ से। तो इसी को रोकने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था कि एक प्रतिज्ञा पत्र लिखवाना प्रारंभ कर दिया था कि कोई भी अगर सैनिक या अधिकारी रिश्वत लेते हुए या फिर पर्सनल अपना बिजनेस करते हुए पकड़ा गया तो उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि सैनिक काफ़ी विरोध करने लगे, तो इसी को इतिहास में श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो क्या किया कि यहाँ पर काफ़ी सैनिकों ने त्यागपत्र दे दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने सभी सैनिकों के क्या हुआ त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पर सेना की कमी हो गई तो उसने क्या किया कि मद्रास से नए सैनिक बुलवाए। रॉबर्ट क्लाइव ने सैनिक सुधार के लिए क्लाइव फंड नामक एक संस्था की भी स्थापना की थी, जिससे सैनिकों को सेवानिवृत्ति के बाद में क्या हुआ कि पेंशन मिल सके। तो काफी यहाँ पर सुधार भी किए थे। 1767 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव वापस इंग्लैंड चला गया और 2 नवंबर 1774 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर ली थी। तो यहाँ पर कब गया था? 1767 में, और 1774 में उसने क्या किया था? आत्महत्या कर ली थी। तो यहाँ से रॉबर्ट क्लाइव का शासन खत्म। अब भैया देख लेते हैं कुछ इतिहासकारों ने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में क्या क्या कहा। तो अल्फ्रेड लॉयल, इन्होंने कहा है कि भारत में साम्राज्य की स्थापना के लिए अंग्रेज सबसे अधिक उत्साही तथा साहसी और कभी ना हार मानने वाले रॉबर्ट क्लाइव के ऋणी हैं। तो यहाँ पर बात बिल्कुल सही है कि रॉबर्ट क्लाइव के वाकई में ऋणी थे जो अंग्रेज थे, क्योंकि इसी के वजह से बहुत कुछ भारत में सत्ता हासिल की उन्होंने। जो शुरुआती दौर था वो रॉबर्ट क्लाइव के ही दिमाग की उपज थी। दूसरे एक भारतीय हैं, इनका भी मत पढ़ लेते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है कि 1757 से 1772 ईस्वी तक जो बंगाल एक डाकू राज्य था, क्योंकि ये मानते हैं इस समय बंगाल में बहुत लूटमार हुई, बहुत करों में वृद्धि हुई, जब जिसको चाहो लूटो, जब जिसको चाहो करों में वृद्धि कर दो। तो यहाँ पर इन्होंने अपने मत का लिखा और ये अंग्रेज हैं, इन्होंने अपने मत का लिखा। अब आते हैं भाई वरेलास्त या वलसट, इनका जो नाम है ना, यहाँ पर वरेलास्त काफ़ी मैंने जो नोट्स हैं मेरे उनमें भी मुझे मिला हुआ है और बुकों में वलसट मुझे नाम मिला हुआ है यहाँ पर। तो इनका जो शासनकाल माना जाता है 1767 से 1769 ईस्वी, यानी केवल 2 वर्ष का। 1767 ईस्वी में वरेलास्त को बंगाल का नया गवर्नर बनाया गया। इसके समय की एक जो महत्वपूर्ण घटना है वो केवल यही है, प्रथम मैसूर का युद्ध, बस केवल इसी को याद रखना है। और 1769 ईस्वी में ये वापस इंग्लैंड चले गए थे। अब आते हैं वही कर्टियर,
इनका जो माना जाता है शासनकाल 1769 से 1772 ईस्वी में, तो 1769 ईस्वी में कर्टियर को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। कर्टियर के समय में 1770 ईस्वी में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, और माना जाता है जैसे काफ़ी इतिहासकारों ने उसकी चर्चा की है कि 1770 में जो अकाल पड़ा था उसमें कई हजार लोगों की मौत हो गई। ये यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो हो सकता है ये किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे, तो ये कर्टियर के शासन काल में ही हुआ था 1770 में। 1772 ईस्वी में कर्टियर का शासनकाल समाप्त हो गया और उसके स्थान पर वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर बना के भेजा गया था यहाँ पर। तो इनको याद रखें, अगला जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वॉरेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ाऊँगा। तो ये वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें।